अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के हवाले से एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं, अनुष्का और विराट के कपल को लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इन्होंने 2020 में एक गुड न्यूज़ अपने फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें बताया था कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इस सारे प्रोसीजर के दौरान अनुष्का अपनी पिक्चर्स अपने फैंस के साथ शेयर करती थी, जिसमें वो कभी तो एक्सरसाइज करते हुए नज़र आई तो कभी अपनी डिफरेंट पोजेस में पिक्चर्स अपने फैंस के साथ शेयर करती हुई नज़र आई। उन्होंने अपने फैंस को बता रखा था कि जनवरी 2021 में उनका बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। उनके फैंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि इनका बेबी कब आएगा और क्या ये बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। तो फाइनली आज उनका बेबी इस दुनिया में आ चुका है। ज़रा से पता चला है कि अनुष्का शर्मा इस वक्त हॉस्पिटल है। बेबी को डिलीवर करने के बाद वो काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। उनके यहाँ बेबी बॉय की आमद हुई है। उनका बेबी बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। उनके फैंस ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। ना सिर्फ फैंस बल्कि वो खुद और उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अनुष्का शर्मा के बेबी के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।